गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शी नगर के वार्ड नंबर 8 में अचानक आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और साथ ही देखा गया है कि काफी नुकसान हुआ है, परंतु अस्पताल प्रशासन के द्वारा इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों में मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने मंगलवार को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है और इसके साथ ही बताया है कि बुधवार को भी मौसम खराब रह सकता है। जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की वाइस चेयरमैन डॉक्टर हीना शफी भट्ट के द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी साझा की गई है और इस दौरान बताया गया कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए डिपार्टमेंट द्वारा कई स्कीम्स को स्टार्ट किया गया है। साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि युवाओं को नौकरियां देने के लिए कई कदम उठाए गए और साथ ही खासकर महिला एंटरप्रेन्योर्स को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और आगे भी इन कदमों को जारी रखा जाएगा। स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने के साथ ही जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड अब समर जोन स्कूलों में ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया है। बोर्ड की अधिसूचना जारी कर कहा है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मार्च माह के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए ध्वनि और वायु प्रदूषण के निर्धारित मानदंडों पर खरना उतरने वाले अन्य राज्यों से आने वाले किसी भी वाहन के जम्मू कश्मीर में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। बर्फीला रेगिस्तान कहे जाने वाले लद्दाख में आज सुबह भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई है। हालांकि लद्दाख प्रशासन ने अभी तक मिली जानकारी के अनुसार भूकंप की वजह से किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है इसकी सूचना दी है। देश में कोरोना महामारी का प्रसार तेजी से कम होता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या में जहां भारी कमी देखने को मिल रही है, वहीं मृतकों का आंकड़ा भी तेजी से कम हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 13,405 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर विवाद करना दुर्भाग्यपूर्ण है। शाह ने कहा कि हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, शिक्षण संस्थान का अपना अनुशासन होता है और मेरी निजी राय है कि विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। देश में 12 से 18 साल के बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करने के लिए एक और टीका आ गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बायोलॉजिकल ई की कोवॉक्स को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी है।